जल गया। अरे आज तो क्या संयोग है, मतलब हर लिंग के लिए एक गाना है। हाँ, जल गया, कोई जल गया। क्यों जल गया पता है? क्योंकि भाग्य लक्ष्मी अपने पति देव के साथ, यानी कि ऋषि के साथ डिनर डेट पर है, वो भी कैंडल लाइट डिनर। और इन दोनों को देखकर सिर्फ मोमबत्तियाँ नहीं जल रही, बल्कि कोई है जो जलन के मारे लाल हो गया है। इसे कहते हैं टाइमिंग। अब एक तो ऋषि और लक्ष्मी को खुद कैंडल लाइट डिनर पर भेजा मलिष्का ने, और फिर जब वो दोनों कैंडल लाइट डिनर पर थोड़े से रोमांटिक हो गए, तो पीछे पीछे वो भी पहुंच गई। थोड़ा फोर्स्ड भी है ये कैंडल लाइट डिनर, मैं नहीं चाह रहा था आने के लिए, वो भी अकेले लक्ष्मी के साथ, बट मलिष्का इंसिस्टेड कि जाओ और कैंडल लाइट डिनर करो। तो मैंने सोचा कि अगर लक्ष्मी ने इतना कुछ किया है मेरे लिए, तो मेरे लिए इतना कुछ करना बनता है उसके लिए। सो आई डिड इट एंड शी इज वेरी हैप्पी। लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश है देखे कि ऋषि ने उसके लिए प्लान किया है, पर मलिष्का खुश नहीं है कि ऋषि ने लक्ष्मी के लिए प्लान किया है। और ऊपर से जब उसने ये देखा कि लक्ष्मी ऋषि को अपने हाथों से गुलाब जामुन खिला रही है, फिर क्या, ये देख कर तो मलिष्का जल भुन गई। या मतलब वो गलत मूवमेंट पे आ जाती है जहाँ पे गुलाब जामुन वो मुझे खिला रही है, एंड शी सीज इट, शी कुडंट कंट्रोल एंड उसने कुछ बाहर गिरा दिया ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। मलिष्का को बहुत गुस्सा आ रहा है, ऑब्वियसली बहुत गुस्सा आ रहा है उसे ये देखकर कि लक्ष्मी और ऋषि साथ में खाना भी खा रहे हैं, उस बात से भी उसे बुरा लग रहा है। अब न जाने मलिष्का के दिमाग में क्या चल रहा था, जिसके चलते उसने ऋषि को कहा कि तुम लक्ष्मी के साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाओ। ऋषि मान भी गया क्योंकि लक्ष्मी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, और जब मान गया तो धीरे धीरे ये दोनों इतने कंफर्टेबल हो गए, जिसका नतीजा ये निकला कि गुस्सा होके मलिष्का चली गई यहाँ से। नहीं नहीं, हम लोग तो अपना फिर भी तुमको चाहूँगा मोमेंट में खोए हुए थे। हम तो एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, और फिर अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, और तब हम देखते हैं कि वो बाहर मलिष्का आई और उसने हमें देख लिया। अभी तक वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, बट अब वो चीज़ें देख नहीं पा रही है, वो हैंडल नहीं कर पा रही है, तो अब ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अब मलिष्का चली गई तो पीछे पीछे ऋषि को भी तो जाना था उसे मनाने के लिए। फिर क्या, लक्ष्मी के सामने उसने बहाना किया और सीधे निकल लिया। अब ऋषि बाबू ये तो शुरुआत है, दो नावों पर पैर रखकर सवार होंगे तो ऐसे बहुत से आगे मौके आपको मिलेंगे जहां पर आपकी नाव जरूर डगमगाएगी। खैर, अब मलिष्का को आपको जैसे समझाना है समझा दीजिए, हम तो लक्ष्मी के साथ ही रुकेंगे क्योंकि उसे खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी होती है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।